अजब फिर हार गई। मैं आपके आने से पहले ही तैयार हो गया। सब लोग तुझसे मिले हुए मुझे हराने के लिए। देखो आज ग्वाला भी दूध देर से ही लेकर आया, तो मैं क्या करती भला। पर हारने का कोई दुख नहीं मुझे, क्योंकि अपने लल्ला से जो हारी हूँ मैं। ये लो दूध। क्या हुआ लल्ला, दूध का पात्र मुंह से लगाकर हटा क्यों दिया? अधिक गर्म है। मैया ये दूध व्रत से आया है ना? हाँ मथुरा में दूध दही व्रत से ही तो आता है लल्ला। कोई दूध मत पीना, कोई दूध मत पीना। लल्ला कोई दूध मत पीना, कोई दूध मत पीना, कोई दूध मत पीना, दूध में विष है। सैनिकों, व्रत से दूध दही लेकर आने वाले सभी ग्वालों को बंदी बनाया जाए और मेरे सामने उपस्थित किया जाए। मम्मी, क्या हो रहा है? बहुत पीड़ा हो रही है। लल्ला, लल्ला देख ना तेरे बाबा को क्या हो गया। बाबा, भैया दूध में मिले विष का दुष्प्रभाव है, जिन जिन्होंने दूध पिया होगा उन सबकी यही स्थिति होगी। तो शीघ्र कोई उपचार करो ना। भैया उपचार के लिए विष का जानना आवश्यक है। तो देर मत करो लल्ला, शीघ्र पता करो। कौन हो तुम सब और दूध में क्या मिलाया था? विष, घातक विष। क्यों क्यों मिलाया था विष? मथुरा का सुख चैन छीनने के लिए। किस बात का वैर है मथुरा से? मथुरा वालों ने हमारा काना छीनकर हमारा हर्ष छीना है, हमारा आनंद लूटा है। इसलिए हमने प्रतिज्ञा किया कि हम मथुरा वालों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जो विष के प्रभाव से बच गए वो हमारे प्रहार से मरेंगे। उसके बाद हम आपको अपने साथ लेकर ब्रज जाएंगे। हम अपने गोपाल के बिना नहीं रह सकते। चलोगे ना हमारे साथ काना? नहीं, तुम सब ब्रजवासी नहीं हो सकते। तुम्हारी बातों में ब्रजवासी का मिठास नहीं है, तुम्हारे हाव भाव में ब्रज की सुगंध नहीं। सैनिकों, इन सबको मृत्यु दंड दिया जाए। सैनिकों, आगे मत बढ़ना अन्यथा कोई जीवित नहीं बचे। इसके आगे से तूने दूध का प्रपंच रचा? कौन सा विष मिलाया दूध में बता, कौन सा विष मिलाया बोल, अन्यथा सर धड़ सा लग कर दूंगा। लल्ला, लल्ला अनर्थ हो गया, अनर्थ। तेरे बाबा की नैनों की दृष्टि चली गई है और तेरे नाना श्री और कृत वर्मा को भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लता, राजवे जी नहीं आया अब तक? नहीं, राजवे जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया है कि इस घातक विष का कोई उपचार नहीं। मैंने अपने जीवन में इतना घातक विष आज से पहले कभी नहीं देखा श्री कृष्ण। ये विष इतना घातक है जितना समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल था। उसे तो भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण करके संसार की सुरक्षा का उपाय कर दिया, पर इसका कोई उपचार नहीं है श्री कृष्ण।
कैसे तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे सुना है कि किसी को सांप काट ले तो उसका विष सपेरा अपने मुंह से चूसकर बाहर निकाल देता है। रुकिए श्री कृष्ण, रुक जाइए, वो घातक विष है, स्पर्श करते ही प्राण ले लेगा। रुको सगा, सगा रुक जाओ, सुनो। लल्ला ये क्या कर रहा है तू? मत कर ऐसा, ये विष घातक है। भाभी, भाभी, भाभी। लल्ला कहाँ है? लल्ला कहाँ गया है? कुछ कह कर गया है? मुझे यहाँ रुकने की आज्ञा देकर स्वयं यमुना की ओर चला गया है। क्या उसने तुम्हें आज्ञा दी और तुम मान भी गए? कैसे सखा हो तुम? तुम्हें रोकना चाहिए था उसे, उसने विष पान कर लिया है। उसे अपने से अधिक अपनों की चिंता रहती है, न जाने अब यमुना तट पर क्यों गया है। चलो सम्राट जरासंध की जय हो। ओम पट स्वाहा। सम्राट जरासंध की जय हो। भाग जा सम्राट, आज वो मायावी ग्वाला मेरा सबसे बड़ा शत्रु जो मेरे घातक विष के प्रभाव से तड़प रहा है, जाओ जाओ और उसे संसार की सबसे कठोर और क्रूर मृत्यु दो। जाओ। जो आज्ञा। जो आज्ञा। Ha 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 ha
उस मायावी ग्वाले को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। आज उसके जीवन का अध्याय समाप्त। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा सदा सदा के लिए निकल जाएगा। शंभो, तेरा अभिषेक करूंगा, रुद्राभिषेक। शंभो। किसे मारना है? ये तो पहले से ही मरा हुआ है। स्वामी भी ना व्यर्थ में दौड़ा देते हैं। स्वामी को दोष न दे मूर्ख। ये सच है कि मरे को भला क्या मारना, पर शास्त्रों में लिखा है मृतक का अंतिम संस्कार तो अवश्य होता है भाई। शास्त्र, तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है। चल कर देते हैं इस मायावी ग्वाले का अंतिम संस्कार। लल्ला, मेरा लल्ला डूब रहा है। नहीं मैया, रुक जाइए, मैया रुक जाइए, बच जाइए, मैया रुक जाइए। नहीं नहीं माता, रुक जाइए, कोई बचाओ उसे, रक्षा करो उसे। मैया रुक जाइए, लल्ला रुक जाइए। प्रतीत होता है ये तो इसकी मैया है। हाँ, पुत्र के मरने से दुखी है मैया। शास्त्र ये भी तो कहते हैं रोने वाले के आंसू पोंछो। अवश्य उसे उसके लल्ला के पास भेजकर थोड़ा पुण्य कमा लेते। उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हो तुम दोनों? वो मेरा पुत्र था, मेरा लल्ला, मेरे जीने का सहारा। और वो मेरा सखा है, मेरा प्रिय सखा। तुम दोनों सचमुच में बहुत दुखी हो। हाँ, हम तुम्हें उसके पास भेज देते हैं क्योंकि वो अकेला है बेचारा। Thank you.
अल्लाह रक्षा करो, रक्षा करो। अल्लाह रक्षा करो, रक्षा करो। समझ नहीं आता सखा कि किस पर विश्वास करे और किस पर ना करे। शत्रु कभी भी किसी भी बीच में आ सकता है और इसे पहचानना कठिन है। जैसे आज शत्रु ग्वाले के रूप में आ गए और अब तो इस पृथ्वी पर पेड़ और पौधों से भी डर लगने लगा है। अब हर कोई संसार में जरासंध से डरेगा। महामंत्री, पूरे राज्य में धूमधाम से उत्सव मनाया जाए, शिवालय को सजाया जाए। आज मैं लंबे समय के बाद अपने शंभु की आराधना करूंगा, उनका रुद्राभिषेक करूंगा मैं। अब तक तो मेरा वो सबसे बड़ा शत्रु यमलोक पहुंच चुका होगा। मूर्ख जरासंध, तूने जिस मायावी को मारने के लिए मुझे भेजा था, क्या तुझे उसकी शक्ति और उसके सामर्थ्य का पता नहीं था? आज तेरी मूर्खता के कारण मेरा भाई उसके हाथों मारा गया। तेरा ये दुस्साहस कि तू मुझ पे हाथ उठाए, अब तू भी जीवित नहीं बचेगा। इसी क्षण मेरे हाथों मरेगा तू। इसी शार। वाले और भी तीर है जरासंध के तरकस में। जब तक तू नहीं मरेगा, ना तुझे चैन से बैठने दूंगा और ना स्वयं शांत बैठूंगा। डाल, 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 डाल। मैं बात बात, 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 बात।